आवाजें सुनी है, लेकिन मीडिया ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टोरी वही बनाई गई कि प्लेन का हिट हुआ है और टॉवर हुआ। अभी इसको प्लेन बंद कर दीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँ, आप पूछेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, आपने अगर इसका अंदाजा लगाया कि ये कितनी सीरियस बात है, सारी दुनिया को बताया गया उसका बिल्कुल उल्टा है सच्चाई जो है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना झूठ बोलने वाला देश है ये अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो जो झूठ बोलने वाला अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ हमारे भारत की सरकार ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाती जा रही है जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका का आरोप था कि चूंकि आपने बम ब्लास्ट किया है इसलिए हम आपको एक ग्राम भी यूरेनियम नहीं दे सकते। फिर हमारे देश की सरकार ने दो बम ब्लास्ट किए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो यही अमेरिका था जिसने भारत की कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई। आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में उसको बैन किया और पाबंदियां लगाई। फिर अचानक उस अमेरिका के दिल में इतनी दया कैसे आई कि भारत को यूरेनियम देना चाहिए? ये दया कैसे आई अमेरिका के दिल? अभी तक अमेरिका का स्टैंड ये है कि भारत परमाणु बम बना सकता है इसलिए इसको यूरेनियम नहीं देना चाहिए, और अब अचानक से अमेरिका कहता है कि भारत से हमें दोस्ती बढ़ानी है यूरेनियम देना चाहिए भारत को और उसके लिए एग्रीमेंट करने को तैयार है। बात कुछ और है और वो बात इतनी गहरी है। हमारे भारत देश में वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से ये खोजने में लगे हुए हैं कि यूरेनियम के अतिरिक्त और कौन सा हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे हम बम बना सकें या बिजली भी बना सकें। तो इसके लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें 6,000 वैज्ञानिक रात दिन इसी काम पर लगे हैं पिछले 40 साल। उन वैज्ञानिकों की टीम को पता चला कि भारत में ये जो तमिलनाडु है, केरल का एरिया है, समुद्री एरिया, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे भारत में अगले 150 साल तक बिजली बनाई जा सकती है, अगले 150 साल। और वो रेडियो एक्टिव ईंधन को अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हमें किसी भी देश के सामने कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं। हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो इस फिलॉसफी के हैं कि अमेरिका से यूरेनियम की भीख मांगने से अच्छा है भारत में जो उपलब्ध है उससे बिजली बनाना। तो हमारे पास कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव ईंधन है, कम से कम 5-6 ईंधनों का पता चल गया है। एक ईंधन तो इतना ज्यादा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार मुझे पर्सनली कहा था दिल्ली में जब मैं उनसे मिलने गया कि 150 साल तक 4,00,000 मेगावाट बिजली हर घंटे हम बना सके, इतना हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है। तो मैंने कहा कि फिर आप इस बात को खुलकर कहते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब कहूंगा, क्योंकि सरकार में हूं तब तक मैं वही कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री मुझसे कहलवाता है, रिटायर होने के बाद कहूंगा। और उन्होंने रिटायर होने के बाद पहला स्टेटमेंट दिया, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, शेखर गुप्ता को 2.5 घंटे का इंटरव्यू दिया जिनमें उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से 1 ग्राम भी यूरेनियम लेने की जरूरत नहीं है, हम अगर ऊर्जा बनाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त ईंधन है 150 साल तक, इतना ईंधन है। अब अमेरिका की नजर हमारे उस ईंधन पे लगी और अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अपना रेडियो एक्टिव ईंधन अमेरिका को दे और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत ईंधन हमको दे। ये है खेल। अब इस खेल को पूरा करने के लिए जहां पर ये रेडियो एक्टिव ईंधन छुपा हुआ है वो जगह कौन सी है, वो बहुत महत्व की बातें जानते हैं। वो जगह है वही जिसको आप कहते हैं श्री राम सेतु। आपने नाम सुना श्री राम सेतु, जिस पर बहुत बवंडर मचा हो। श्री राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में 17.5 लाख साल पहले श्री राम जी का बनाया हुआ वो पुल है जिस पर वो लंका गए थे और विजय कर वापस लौटे थे। 1480 के साल में एक भयंकर सुनामी आया था, उसमें ये श्री राम सेतु समुद्र के नीचे चला गया। उसके पहले तक अंग्रेजी रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो व्यापार होता था वो श्रीराम सेतु के ऊपर से होता था। श्रीराम सेतु 35 मील लंबा है और 3.5 मील चौड़ा है। 35 मील लंबा है, 3.5 मील चौड़ा है। 3.5 मील चौड़ा है इसका माने 8-10 बैलगाड़ियां आराम से घर से उधर जा सकती हैं। तो भारत से कपड़ा लेके बैलगाड़ियां उधर जाती थी, उधर से काली मिर्च लेकर, पान के पत्ते लेकर बैलगाड़ियां इधर आती थी। तो व्यापार भारत और श्रीलंका का 3000 साल ये श्रीराम सेतु के ऊपर से हुआ। ये इंग्लिश रिकॉर्ड्स है, अंग्रेजी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स है। अब
वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है कि ये जो श्रीराम सेतु जहां पर है समुद्र की तलहटी में, वहीं पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव ईंधन है, तो वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए किसको? अमेरिका। तो अमेरिका को वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए, तो ये तभी संभव है जब वो श्रीराम सेतु को तोड़ा जाए। वो सेतु टूटे तो रेडियो एक्टिव ईंधन वहां से निकले और वो सरकार अमेरिका को बेचने को तैयार है। और ये मनमोहन सिंह को मैं आपके यहां 10 साल पहले कहकर गया था, ये अमेरिकन एजेंट है जो हिंदुस्तान की सरकार में बैठा हुआ है। पत्रकार चाहें तो इसको छाप दें कल फ्रंट पेज पे कि राजीव दीक्षित कहता है कि मनमोहन सिंह अमेरिकन एजेंट है। ये अमेरिकन एजेंट है जो भारत की सरकार में बैठा है और ये आदमी चाहता है कि अगले 1.5 साल में जब तक ये गद्दी से उतरे उसके पहले ये श्रीराम सेतु टूट जाए। ये सेतु का एरिया अगर टूटा तो वहां से रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलेगा और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको अमेरिका भिजवाना है और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत यूरेनियम देगा, ऐसा एग्रीमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत खतरनाक हो गया है। अगर श्रीराम सेतु इन्होंने तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया और सेतु टूट गया, तो ये सारा का सारा एरिया अमेरिका के कब्जे में चला जाएगा और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है भारत और श्रीलंका के बीच का। आप में से कोई लोग अगर रामेश्वरम गए हो, सेतु रामेश्वरम, तो जहां पर धनुषकोटी है, बात करेंगे रेडियोएक्टिव मटीरियल वहां पर। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 150 साल तक हम ये खोद के निकालते रहे तो ये खत्म होने वाले नहीं। तो अमेरिका की नजर वहां लगी है तो उसने एक आदमी अपना बिठा लिया है जो भारत में श्रीराम सेतु तोड़ने की तैयारी में है और उस मनमोहन सिंह को एक सहयोगी मिल गया है करुणनिधि नाम का, जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। वो कहता है कब राम ने बनाया था, कौन राम हुए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, कहां उन्होंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली जो ऐसा पुल बना सके। ये बकवास वो करुणानिधि करता रहता और आप सबने अखबार में उसकी बकवास सुनी भी होगी, मीडिया में पढ़ी भी होगी। तो खेल ये चल रहा है कि करुणानिधि जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग भारत का 17.5 लाख वर्ष पुराना श्रीराम का बनाया हुआ पुल तोड़कर वहां से निकाले हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल को अमेरिका बेचे। और इसके लिए एक कंपनी बनी है जिसमें पार्टनर है करुणानिधि और टी आर बालू आप जानते हैं शिपिंग मिनिस्टर है इस समय केंद्र सरकार का। तो टीआर बालू और करुणानिधि ने पैसा डालकर एक कंपनी बनाई है जो ये पुल टूटेगा। तो बताइए क्या बोलने वाले हैं कि पुल टूटेगा तो कचरा निकलेगा, वो कचरा नहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलेगा उससे। आपको बोला जा रहा है कि कचरा निकला तो उस कचरे को इकट्ठा करके हम कहीं कहीं भेज देंगे, तो कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, भेजेंगे नहीं बेचेंगे और उसका डील होगा तो ये दोनों या तीनों मिलकर खाएंगे, थोड़ा बहुत किसी और को मिल जाए तो मिल जाएगा। तो ये खेल चल रहा है। अब इस खेल को हम हिंदुस्तानी समझ पाए तो शायद श्रीराम सेतु को बचा ले, नहीं समझ पाए तो ये टूट जाएगा अगले 6-8 महीने के